हे गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य एंड वेलकम टू डेज वीडियो। सो जिन जिनको नहीं पता, मैं इस चैनल में बहुत सारा कंटेंट बनाता रहता हूँ, फिटनेस रिलेटेड, फिटनेस लाइफस्टाइल से रिलेटेड। बट आज की वीडियो में बात कर रहा हूँ ऐसे कौन से 7 मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स हैं जिम करने के, एक्सरसाइज करने के। तो देखो, सिंपल मैं चीज़ बताता हूँ। आप कहीं भी जाओगे, आप किससे भी पूछोगे भाई जिम का क्या बेनिफिट है, वो बंदा बोलेगा भाई वेट कम हो जाएगा तेरा, वेट लूज करने में हेल्प करेगा, वेट बढ़ जाएगा, बॉडी फिट हो जाएगी, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी फिजिकल। हाँ, मैं एग्री करता हूँ, होगी, मैंने भी करी है। बट उससे भी ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कोई बात नहीं करता, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इसके बारे में कहीं बात नहीं हुई है, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इवन मैं तो कहूँगा फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पहले मेंटली फिट होना पड़ेगा, तभी आप फिजिकल फिटनेस पर काम कर सकते हो। सो मेंटल फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिम जाता हूँ, फिजिकल ट्रेनिंग के लिए भी जाता हूँ, बट मेंटल ट्रेनिंग के लिए भी जाता हूँ, माइंड की ट्रेनिंग के लिए। माइंडसेट पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मैं जिम से ना जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेता हूँ, रियल लाइफ लर्निंग लेता हूँ, और वो मैं अप्लाई करता हूँ अपनी रियल लाइफ में। चाहे मुझे करियर में आगे बढ़ना है, चाहे मुझे कोई नई स्किल सीखनी है, तो मैं जिम में वो चीज़ें अप्लाई कर रियल लाइफ में अप्लाई करता हूँ, मुझे वहाँ से रियल रिजल्ट मिलता है। सो आज की वीडियो में उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जिम करने के, एक्सरसाइज करने के, या किसी भी तरह की फिजिकल फिटनेस में इन्वॉल्व होने के 7 मेंटल बेनिफिट्स। जो पहला कंसेप्ट मैंने जिम से सीखा है ना, वो है पेशेंस, वो है धीरज। कि भाई अगर फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो आपको बहुत ज़्यादा धीरज रखनी पड़ेगी, पेशेंस रखनी पड़ेगी। ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होगी, एक हफ्ते में नहीं होगी, एक महीने में नहीं होगी, बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी रेगुलरली, और फल की चिंता नहीं करते हुए मेहनत करनी पड़ेगी ऑन अ कंसिस्टेंटली बेसिस, धीरज रखते हुए। तो यही सेम चीज़ मैं अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करता हूँ। अगर मुझे कुछ करियर में कोई नई स्किल सीखनी है, या करियर में कोई गोल सेट करा है, वहाँ तक पहुँचना है, तो मुझे बस मेहनत करनी है और पेशेंस रखनी है, धीरज रखनी है, और रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। सो पहली चीज़ सीखिए, वो है धीरज रखना, पेशेंस रखना। जो नंबर सेकंड मेंटल हेल्थ बेनिफिट है ना, वो है कि हमारी जितनी भी टायर्डनेस होती है ना, जितना भी स्ट्रेस होता है, जितनी भी टेंशन होती है, सब निकाल देते हैं। एक बार को लगता है कि हम किसी और जोन में चले गए हैं, जितने भी प्रॉब्लम होते हैं सब भूल जाते हैं। अगर आप देखोगे आजकल की दुनिया में कितना ज़्यादा स्ट्रेस है सबके अंदर, कितनी एंजाइटी है, कितना डिप्रेशन है, कितने केसेस आते हैं आजकल डिप्रेशन के, जिससे लोग सुसाइड कर लेते हैं। सो एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम बन चुकी है हमारी सोसाइटी में। हमारी टायर्डनेस रिड्यूस कर देता है, स्ट्रेस रिड्यूस कर देता है, सारी टेंशन रिड्यूस कर देता है, और हम एक अलग जोन में चले जाते हैं। जो नंबर थर्ड बेनिफिट है ना, हम बहुत सारा डिसिप्लिन सीखते हैं जिम से, हम बहुत सारा अनुशासन सीखते हैं। डिसिप्लिन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुशासन, कि यार कोई भी हमें एक्सरसाइज करनी है, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो हमें डेली जिम जाना ही पड़ेगा, डेली एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी, डेली डाइट अच्छी खानी ही पड़ेगी, हम गंद खाना नहीं खा सकते रोज, अच्छी स्लीप लेनी पड़ेगी, तो ये रोज करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो जब हम ये चीज करते हैं ना, तो हम रियल लाइफ डिसिप्लिन सीखते हैं, रियल लाइफ अनुशासन सीखते हैं, जो बहुत जरूरत है हमारे आज की दुनिया में। आपने कभी देखा होगा कि कभी भी हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, चाहे जिम में एक्टिविटी करें, चाहे रनिंग करें, जॉगिंग करें, बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कुछ भी खेलते हैं, कोई किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या योगा करते हैं, हमारा मूड बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जब भी हम किसी तरह की फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे ब्रेन में ना एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, फील गुड हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं। ये इसलिए होता है बिकॉज सिक्रेशन ऑफ डोपामिन एंड सेरोटोनिन, ये क्या होता है, हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं। सो उससे ना हमें बहुत अच्छा लगता है, वी फील हैप्पी, वी फील गुड अबाउट अवर सेल्फ, कि हमें लगता है कि यार हमने बहुत दुनिया जीत लिया है, एक सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आती है। तो ये फीलिंग बहुत सारी और चीज़ों में भी आती है, पर जब हम जिम से लेते हैं ना, वी फील हैप्पी, स्ट्रेस तो कम होता ही होता है, एंजाइटी कम होती है, टायर्डनेस कम होती है, और डिप्रेशन भी कम होता है, और हम हैप्पी भी फील करते हैं, हैप्पी भी फील करते हैं, और स्ट्रेस भी रिड्यूस होता है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो नंबर फिफ्थ बेनिफिट है ना, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जिम का, एक्सरसाइज करने का, या कोई भी स्पोर्ट्स खेलने का, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने का। वो क्या है कि भाई अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन अपनी कर सकता हूँ ना, मैं यहां से यहां जा सकता हूँ, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे आगे कुछ भी आ जाए, कोई भी स्ट्रेस बर्डन आ जाए, कोई करियर का स्ट्रेस आ जाए, मुझे कुछ भी करना हो, कभी भी, आई एम ऑलवेज रेडी, मैं किसी तरह की भी कोई भी चीज़ कर सकता हूँ। मेरे पास पहले इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन आज ज़रूर है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद सीखना पड़ेगा, अपने अंदर खुद वो फीलिंग लानी पड़ेगी कि यार अब मैं कर सकता हूँ।
जो नंबर सिक्स बेनिफिट है ना वो हम सीखते हैं पावर ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट, कि भाई जब हम किसी चीज के पीछे ना हाथ धो करके लग जाते हैं ना कि यार अब ये करना है करना है करना है, तो वो चीज होती है। बस हमें कंसिस्टेंट रहना है, ऑन रेगुलर बेसिस करना है, कि अगर मैंने अपने आप को कमिट कर रखा है कि मैं हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करूंगा तो मैं करूंगा, मैं कंसिस्टेंट रहूंगा, मैंने अपने आप को बोल दिया। तो पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, जब मैं ये सब चीजें करते हैं ना डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ आफ्टर मंथ और ईयर आफ्टर ईयर, तब भाई रिजल्ट आता है, मैजिक हैपेंस। तो हमें कंसिस्टेंट रहना है और इतना रिजल्ट पे फोकस नहीं करना, हमें प्रोसेस को एंजॉय करना है, तभी वी कैन गेट रियल काइंड ऑफ रिजल्ट्स। और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। अब हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे मैंने जिम से कंसिस्टेंसी सीखी, अब मैं अप्लाई करूंगा अपनी रियल लाइफ में, चाहे मुझे कोई स्किल डेवलप करनी है, कोई करियर का गोल है, चाहे कितने पैसे कमाने हैं, कुछ भी करना है, तो आई हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड जिम ने मुझे सिखाया है कि पावर ऑफ बीइंग कंसिस्टेंट। गाइज नंबर 7 मेंटल हेल्थ बेनिफिट जिम का ये है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बेंच प्रेस कर रहे हो, स्क्वाट्स कर रहे हो, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ बेंच प्रेस। अगर बेंच प्रेस की बात कर रहे हैं तो आपको देखो, मान लो बेंच प्रेस में आप क्या मेनली चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, तो माइंड मसल कनेक्शन एक टर्म होती है MMC, जिसे हम कहते हैं माइंड मसल कनेक्शन, कि मसल और आपके माइंड के बीच में कितना जबरदस्त कनेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप बेंच प्रेस कर रहे हो, आप चेस्ट ट्रेन कर रहे हो, तो आपकी चेस्ट और माइंड के बीच में कितना बड़ा कनेक्शन है, जितना ज़्यादा आप फील कर पाओगे ना, जितना ज़्यादा आप विजुअलाइज कर पाओगे, उतना ज़्यादा बड़ा कनेक्शन है। तो जितने आपका माइंड मसल कनेक्शन अच्छा होगा ना, उतनी आपकी कंसंट्रेशन पावर भी अच्छी होंगी। तो ये हमें बहुत हेल्प करता है हमारी कंसंट्रेशन बढ़ाने में। अब मैं यही सेम चीज़ जब मैं अप्लाई करता हूँ रियल लाइफ में, तो मेरा कंसंट्रेशन पावर भी अच्छा होता है, चाहे मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ या कहीं से कोई कोर्स कर रहा हूँ, तो मैं उस पर कंसिस्टेंटली फोकस कर सकता हूँ, तो फोकस इम्प्रूव करेगा। अब एक और बात यह है कि जब भी आप कोई भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हो ना, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हो, तो ये क्या होता है, आपकी स्लीप की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत से डॉक्टर्स को कहते हुए सुना होगा, जितनी अच्छी आपकी स्लीप की क्वालिटी होगी ना, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी कॉन्सेंट्रेशन होगी। जितनी डीप आपकी स्लीप होगी ना, क्वालिटी डीप स्लीप, उतनी ज़्यादा आपकी अच्छी कंसंट्रेशन होगी। तो आपकी कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगी जब आप अच्छी स्लीप लोगे, अच्छी स्लीप तभी आएगी जब आप अच्छी फिजिकल एक्टिविटी करोगे। सो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट कनेक्शन है आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव करने में। सो ये सारे हैं बहुत सारे बेनिफिट्स जिम करने के, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के, या किसी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होने के, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि मैंने बोला है, आप जिम से सीखो, एक्सरसाइज से सीखो, फिजिकल एक्टिविटीज सीखो, स्पोर्ट्स से सीखो, जो कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ से सीख रहे हो ना, रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको कोई सिखा नहीं सकता, आपको खुद एक्सपीरियंस करके खुद सीखने पड़ेंगे। यहाँ से सीखो, अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करो, जैसे मैं कर रहा हूँ। पावर ऑफ पेशेंस, पावर ऑफ कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन, कंसंट्रेशन पावर्स इंप्रूव हो रही हैं, है ना, मैं अच्छा फील कर पा रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे स्ट्रेस कम हो रहा है, एनजाइटी कम हो रही है, टेंशन टायर्डनेस कम हो रही है। तो मैं ये सबको यही बोला है, जिम से सीखो, रियल लाइफ में अप्लाई करो, बॉडी की भी ट्रेनिंग करो, माइंड की भी ट्रेनिंग करो, एंड दैट्स हाउ वी ऑल विल ग्रो। सो दैट्स व्हाट टुडेज वीडियो वाज ऑल अबाउट। सो अब मैं आपको मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन टेक केयर गाइस।